प्रश्नावली 5.4 का पहला प्रश्न ये दे रखा है, y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर रहे हैं dy अपॉन dx, अंश और हर का फार्मूला लगा रहे हैं, हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर साइन एक्स इनटू ईएक्स ईएक्स इनटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ईएक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यही इसका मान हो गया dy अपॉन dx। पहला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर d ओवर dx e की पावर साइन इनवर्स x या e की पावर साइन इनवर्स x d ओवर dx साइन इनवर्स x e की पावर साइन इनवर्स x 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर या e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। इस प्रकार से इसका मान हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर e की पावर x क्यूब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx d ओवर dx e की पावर x क्यूब या बराबर e की पावर x क्यूब d ओवर dx x क्यूब 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब dy अपॉन dx। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, y बराबर साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर d ओवर dx साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस x, ये हो गया cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस x d ओवर dx टेन इनवर्स e की पावर माइनस x।
minus e to the power minus x, we take 1 plus e to the power minus 2x cos 10 inverse e to the power minus x dy upon dx. अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है log cos e की पावर x सर्वे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया dy upon dx बराबर d over dx log cos e की पावर x 1 upon cos e की पावर x और ये हो गया d over dx cos e की पावर x. ये हो गया 1 upon cos e की पावर x minus sin e की पावर x और d over dx e की पावर x. आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को. ये हो गया dy upon dx बराबर e की पावर x माइनस साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x टेन e की पावर x dy upon dx. क्वेश्चन छठा प्रश्न बता रहा हूं. ये है y बराबर e की पावर x स्क्वायर e की पावर x क्यूब e की पावर x फोर और ये हो गया e की पावर x फाइव. x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy upon dx या d over dx e की पावर x d over dx e की पावर x स्क्वायर d over dx e की पावर x क्यूब d over dx e की पावर x फोर d over dx e की पावर x की पावर 5 या dy upon dx बराबर e की पावर x पावर x स्क्वायर d ओवर dx x स्क्वायर e की पावर x क्यूब d ओवर dx x क्यूब e की पावर x फोर d ओवर dx x फोर e की पावर x फाइव d ओवर dx x फाइव ex e हो गया 2x e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब 4x क्यूब e की पावर x 4 5x की पावर 4 e की पावर x 5 dy upon dx. ये इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन 6 का लास्ट हो गया e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब 4x क्यूब e की पावर x 4 5x 4 e की पावर x 5. यही इसका dy upon dx हो गया.